हेलो दोस्तों, वेलकम टू SS एग्ज़ाम। दोस्तों, अपने आज बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पैरा है OM पार्ट 1 का, उसकी चर्चा करेंगे, पैरा नंबर 500 की। दोस्तों, प्रीवियस वीडियोस में अपने जो लेटर राइटिंग है उसके बारे में बात करी है। दोस्तों, लगभग 5 वीडियो अपलोड कर दिए हैं मैंने उससे रिलेटेड, आप वो देख लीजिए। दोस्तों, आपका कोई भी फॉर्मेट गलत नहीं होगा। और दोस्तों, एक मैंने आइडिया आपको दिया है, 2018 का पूरा पेपर मैंने आपको सॉल्व करवाया है, वो जाके आप देख लीजिए प्लेलिस्ट में जाके, ठीक है, चैनल पे आपको मिल जाएगा। 5 वीडियो देख लीजिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें मैंने उसमें बताई गई है। और वो दोस्तों 15 नंबर का काम आपका पूरा हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो उसी कड़ी के अंदर दोस्तों, थोड़ा सा मैं हटके आज कुछ करवाना चाहता हूँ आपको। दोस्तों, कुछ पैराज जो होते हैं हमारी बुक्स के अंदर, जैसे अकाउंट कोड है, ऑडिट कोड है, OM है, ठीक है, तो इन बुक्स के अंदर दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पैराज हैं, ठीक है, और जिनको याद करना दोस्तों बहुत ही कठिन है, और वो याद नहीं रहते हैं। हम उनको 20 बार भी पढ़ लें तो भी हमसे वो याद नहीं रह पाते, क्योंकि दोस्तों वो जो उसके अंदर बातें लिखी रहती है वो सिमिलर होती हैं। और दोस्तों, जैसे कोई स्टेशंस के नाम हैं, शहरों के नाम हैं, ठीक है, तो वो भी याद करने बहुत कठिन है हमारे लिए। तो इसलिए दोस्तों, मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। दोस्तों, इसको अपने 3 तरीके से पढ़ेंगे, इस एक ही पैरा को, ठीक है। आपको जो बेस्ट लगे, सबसे अच्छा लगे, वो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, और मुझे जो अच्छा लगता है जो तरीका पढ़ने का, ये चीज़ें वो मैं आपको बताऊँगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए दोस्तों, शॉर्ट ट्रिक टू रिमेंबर पैरा नंबर 500 OM पार्ट 1। OM पार्ट 1 का पैरा नंबर 500 जाओगे तो आपको ये चीज़ें पता चलेगी, ठीक है। तो इस पैरा में दोस्तों लिखा क्या हुआ है, द अंडर मेंशनड प्रिंसिपल कंट्रोलर, कंट्रोलर दोस्तों या तो PCDA या CDA विल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर इशूइंग करेक्शंस टू द डिपार्टमेंटल कोड्स, मैनुअल्स एटसेट्रा मेंशनड बिलो। क्या बोलना चाहता है दोस्तों, हमारे जो डिपार्टमेंट की बुक्स जो हैं दोस्तों, उनको करेक्ट करने की, उनको अप टू डेट रखने की, जो मिनिस्ट्रीज़ के लेटर आए, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई भी डिसीज़न आए, ठीक है, उनको अप टू डेट रखने की दोस्तों जिम्मेदारी जो है डिफरेंट डिफरेंट कंट्रोलर्स और प्रिंसिपल कंट्रोलर्स को दी गई है, ठीक है। वो रेस्पॉन्सिबल है उनमें करेक्शंस को इशू करने के लिए, ठीक है। तो वो अपने देखेंगे दोस्तों, OM पार्ट 1 के पैरा नंबर 500 में दिया हुआ है। तो देखिए दोस्तों, डिफेंस ऑडिट कोड के अंदर कौन अपडेट करता है, करेक्शन करता है, और डिफेंस ऑडिट कोड के अंदर दोस्तों कौन सा प्रिंसिपल कंट्रोलर या कंट्रोलर है वो रेस्पॉन्सिबल है करेक्शन इशू करने के लिए, उसको अपडेट रखने के लिए। ऑडिट कोड और अकाउंट कोड दोनों के लिए दोस्तों प्रिंसिपल सदन कमांड पूना है, ठीक है। प्रिंसिपल सदन कमांड जो मेन ऑफिस है सदन कमांड का, उसको बोलते हैं दोस्तों। और दोस्तों, पूना के अंदर एक और ऑफिस है जिसको बोलते हैं PCDAO, PCDA ऑफिसर्स पुणे, जो ऑफिसर्स से रिलेटेड उनके पे एंड अकाउंट्स को मेंटेन करता है, ठीक है। वो एज ए फंक्शनल कंट्रोलर उसको हम काउंट करते हैं, ठीक है। और ये है मेन ऑफिस सदन कमांड पूना, जैसे वेस्टर्न कमांड जयपुर, सॉरी वेस्टर्न कमांड चंडीगढ़, साउथ वेस्टर्न कमांड जयपुर, सेंट्रल कमांड लखनऊ, ठीक है, इस टाइप से। आगे देखिए दोस्तों, ये OM है दोस्तों, OM पार्ट 1, OM पार्ट 2, जो ऑफिस मैनुअल जैसे अपने पढ़ रहे हैं, ये अपने किस से रिलेटेड है, ठीक है। और दोस्तों, बाकी जो OM है 2, 3, 4, 5, ये दोस्तों अलग अलग जो किताबें हैं वो दोस्तों इनमें अलग अलग फंक्शंस दिए हैं, ठीक है, कि वो पर्टिकुलर बुक्स के अंदर किसी पर्टिकुलर चीज़ से लेकर सारी बातें लिखी गई है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, OM पार्ट 1 जो है इसमें CGDA ऑफिस करता है, OM पार्ट 2 में CDA आर्मी मेरठ करता है, OM 3 में PCDA एयरफोर्स देहरादून, 4 में दोस्तों PCDA पेंशन इलाहाबाद, 5 में दोस्तों CDA फंड मेरठ, 6 दोस्तों आउट हो गया, ठीक है, PCA फैक्ट्री कोलकाता, तो इसको हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। OM पार्ट 6 में दोस्तों फैक्ट्रीज़ के बारे में बातें लिखी गई थी, वहाँ पे उस फैक्ट्री के अंदर ऑफिस मैनुअल क्या है दोस्तों, ऑफिस के जो डे टू डे के काम है, ऑफिस में रूटीन्स में जो वर्क होगा, ऑफिस से रिलेटेड सारी बातें दोस्तों, ठीक है। जैसे अपने OM पढ़ेंगे तो आपको बताऊंगा क्या क्या बातें उसमें आती है OM के अंदर, ठीक है, तो वो सारी इसमें इंक्लूड होती है। 7 नंबर में दोस्तों क्या है, PCDA नेवी मुंबई के बारे में बातें हैं। 8 नंबर में दोस्तों CDA आर्मी मेरठ के बारे में। 9 नंबर में दोस्तों PCDA ओ पुणे। 10 में दोस्तों PCDA बेंगलुरु। 11 में दोस्तों PCDA R&D न्यू दिल्ली। और दोस्तों आर्मी लोकल एडवेट मैनुअल, इसको दोस्तों आलम बोलते हैं, जब आप LAO में काम करोगे, RAO में काम करोगे, तो दोस्तों वहाँ इस ऑफिस में, वहाँ उस ऑफिस में इस किताब को आलम बोलते हैं, ठीक है, आर्मी लोकल एडिट मैनुअल। इसमें भी दोस्तों वॉल्यूम्स है, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2, ठीक है। तो आर्मीज़ की ऑडिट से रिलेटेड सारी बातें इसमें लिखी गई है, ठीक है, तो वहाँ पे ये अथॉरिटी काम करती है, ओके। तो PCDA सदन कमांड पूना करता है इसको दोस्तों। MES अकाउंटेंट्स मेन्यू, ठीक है, मैनुअल, उसको कौन करता है दोस्तों, CDA आर्मी मेरठ। और MES लोकल ऑडिट मैनुअल को कौन करता है दोस्तों, CDA आर्मी मेरठ, दोनों को, ठीक है। अगला है दोस्तों पेंशन पेमेंट इंस्ट्रक्शन, ठीक है, इसको कौन करता है दोस्तों, PCDA पेंशन इलाहाबाद, इजी है। पेंशन से रिलेटेड NLAO मैनुअल को दोस्तों PCDA नेवी मुंबई। और दोस्तों एयरफोर्स लोकल ऑडिट मैनुअल को PCDA एयरफोर्स देहरादून। कोस्ट गार्ड मैनुअल को दोस्तों PCDA नेवी मुंबई। OM पार्ट 12 को दोस्तों PCDA न्यू दिल्ली। OM पार्ट 13
वॉल्यूम 1 और 2 को दोस्तों पी सी डी ए दिल्ली ही करता है, लेकिन बी आर वाला बॉर्डर रोड वाला, और ओ एम पार्ट 14 को दोस्तों पी सी डी ए आर एन डी न्यू दिल्ली, और ओ एम पार्ट 15 को दोस्तों सी डी ए पी डी मेरठ। ये तो दोस्तों एक नॉर्मल जब अपने एक बुक पढ़ते हैं तो कोई भी स्टूडेंट ये चीज़ पढ़ेगा, थोड़ी बहुत उसको याद रहेगी, ये याद रह गया, ये याद रह गया, ठीक है, कुछ बाकी सब भूल जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों इसको और साफ सुथरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, इसके कैसे ट्रिक अपने बना सकते हैं, दोस्तों चीज़ वही है, मैटर वही है, पैरा वही है, बस इसको पढ़ने के तरीके में हर एक स्टूडेंट का तरीका अलग अलग हो सकता है, जिससे वो चीज़ों को रिमेंबर कर सके। ठीक है, तो दोस्त देखते हैं दोस्तों इसका सेकंड तरीका कैसे है इसको पढ़ने का। अब देखिए दोस्तों इसका सेकंड तरीका पढ़ने का कैसा है, वो दोस्तों पिछला था वो बुकिश तरीका था, बुक में गए पढ़ा आपने, ठीक है, आपने मेहनत नहीं की उस पर। ये दोस्तों मैंने इन किताबों को, इन चीज़ों को दोस्तों मैंने कंट्रोलर और प्रिंसिपल कंट्रोलर्स के हिसाब से बांट दिया। ठीक है, पी सी डी सदन कमांड दोस्तों 3 बुक्स में आपका अपडेट करता है, तो दोस्तों मैंने तीनों बुक्स को दोस्तों यहीं पे रख लिया। ठीक है, समझ में आया आपको, ये देखिए दोस्तों तीनों बुक्स को मैंने यहीं पे रख लिया। ठीक है, और मान लो सी डी ए आर्मी मेरठ जो है 4 बुक्स में अपडेट करता है, तो मैंने चारों को रख लिया। पी सी डी ए पेंशन इलाहाबाद दोस्तों 2 में करता है, तो मैंने दोनों में। पी सी डी ए नेवी मुंबई 2 में करता है, बेंगलुरु 1 में। ठीक है, तो एक बार इसको भी मैं आपको दोस्तों बोल के बताता हूँ, तो आपको 25-30% बातें याद हो जाएगी। ठीक है, तो जो लास्ट ट्रिक मैं आपको बताऊँगा जिससे आपको 100% दोस्तों याद हो जाएगा। ठीक है, तो फिर आपको इस टॉपिक पे दोस्तों बार बार देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, डिफेंस ऑडिट कोड, डिफेंस अकाउंट कोड और आलम में करता है दोस्तों पी सी डी ए सदन कमांड पूना, ऑडिट कोड, अकाउंट कोड और आलम। ठीक है, ऑडिट कोड, अकाउंट कोड, आलम को करता है पी सी डी सदन कमांड पूना। 2 नंबर पे चलते दोस्तों ओएम पार्ट 1 सी जी डी ए ऑफिस। दोस्तों अपने डिपार्टमेंट का सबसे बड़ा ऑफिस कौन सा है दोस्तों, सी जी डी ए ऑफिस, जो कि दिल्ली में सिचुएटेड है। ठीक है, तो दोस्तों जो बुक अपने पढ़ रहे हैं, जिस बुक का पैरा हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उस बुक को दोस्तों सबसे बड़ा ऑफिस करेगा अपडेट, ऐसे याद रखो इसको। ठीक है, कुछ याद हुआ, ओएम पार्ट 1 का पैरा 500 ही अपने पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसके अंदर ये बातें दी गई है, तो दोस्तों इस बुक के अंदर सारी बुक्स के अपडेट के बारे में लिखा गया है, तो दोस्तों मान लीजिए ये सबसे बड़ी बुक है, तो दोस्तों सबसे बड़ी बुक को अपडेट सबसे बड़ा ऑफिस करेगा, तो यानी सी जी डी ए ऑफिस करेगा। ठीक है, आगे चलिए दोस्तों 3 नंबर में सी डी ए आर्मी मेरठ दोस्तों कौन कौन बुक को अपडेट करता है, कौन कौन बुक की करेक्शन इशू करता है जो, या करेक्ट करता है। ठीक है, कैसे भी बोलिए, ओएम पार्ट 2 की, ओएम पार्ट 8 की, एमईएस अकाउंट्स मैनुअल और एमईएस लोकल ऑडिट मैनुअल। ठीक है, एमईएस की 2 किताबें और ओएम पार्ट 2 और ओएम पार्ट 8। ठीक है, ये याद करवा दूंगा, ओएम की बस आप ये याद रख लीजिए, एमईएस अकाउंट्स मैनुअल और एमईएस लोकल ऑडिट मैनुअल। ठीक है, मेरठ से रिलेटेड है, सी डी ए आर्मी मेरठ। 4 नंबर पर चलिए दोस्तों ओएम पार्ट 3 और एयरफोर्स लोकल ऑडिट मैनुअल कौन करता है दोस्तों, पी सी डी एयरफोर्स देहरादून। एयरफोर्स लोकल ऑडिट मैनुअल में आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि पी सी डी एयरफोर्स देहरादून करेगा इसको, देहरादून में एयरफोर्स का ऑफिस है, तो ऑब्वियस सी बात है वही करेंगे, अपने आर्मी वाले तो नहीं कर सकते इसको, या सी डी ए फंड मेरठ तो नहीं करेगा। तो ओ एम पार्ट 3 और एयरफोर्स लोकल ऑडिट मैनुअल को दोस्तों अपडेट करता है पी सी डी एयरफोर्स देहरादून। 5 नंबर में चलिए दोस्तों ओ एम पार्ट 4 और पेंशन पेमेंट इंस्ट्रक्शन, दोस्तों इसको भी याद करने की जरूरत नहीं है, पेंशन पेमेंट इंस्ट्रक्शन, पेंशन की बात आएगी तो एकमात्र ऑफिस हमारा पी सी डी पेंशन इलाहाबाद इसको करता है। ठीक है, बाकी फंड मेरठ भी है, डी पी डी ओज जो हैं जिनके अंडर में, लेकिन आपको पेंशन की बात आ जाएगी तो पी सी डी पेंशन इलाहाबाद। सी डी ए फंड दोस्तों मेरठ जो है वो किस में करता है, ओ एम पार्ट 5 में। ये देखिए दोस्तों सी डी ए आर्मी मेरठ था, सी डी ए फंड मेरठ है ओ एम पार्ट 5 में। अगला चलिए दोस्तों ओ एम पार्ट 7 और कोस्ट गार्ड मैनुअल और एन एल ए ओज मैनुअल। ठीक है, नेवी का होगा लोकल ऑडिट का मैनुअल, ठीक है, और कोस्ट गार्ड का दोस्तों कौन करता है, पी सी डी ए भी मुंबई। समझ में आया, कोस्ट गार्ड तट पे है दोस्तों, समुद्र में है, समुद्र के जो तट की रक्षा करते हैं कोस्ट गार्ड से रिलेटेड वो डिपार्टमेंट है, और एनएलए जो जो मतलब नेवी से रिलेटेड है उसी करता है दोस्तों पी सी डी मुंबई नेवी। और ओ एम पार्ट 7 की, ओ एम पार्ट 9 की दोस्तों पी सी डी ए ओपुना, ओ एम पार्ट 10 की दोस्तों पी सी डी ए बेंगलुरु, ओ एम पार्ट 11 देख रहे दोस्तों विजिबल है ना ये, ओ एम पार्ट 11 और ओ एम पार्ट 14 की करता है पी सी डी आर एन डी न्यू दिल्ली। ठीक है, आगे चलिए दोस्तों ओ एम पार्ट 12 की पी सी डी न्यू दिल्ली, 12 की ओ एम पार्ट 13 का वॉल्यूम 1 और 2 पी सी डी बी आर न्यू दिल्ली, और 13 नंबर की दोस्तों ओ एम पार्ट 15 सी डी पी डी मेरठ। तो दोस्तों आपको कुछ बातें याद हुई, जैसे मैं बताऊं क्या क्या बातें याद हुई, ऑडिट कोड, अकाउंट कोड और आलम, पी सी डी सदन कमांड पूना याद हुआ, ओ एम पार्ट 1 याद हुआ, सी जी डी ऑफिस करता है, ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ा ऑफिस है और सबसे बड़ी बुक है। तीसरा आपको क्या याद हुआ है दोस्तों, एयरफोर्स का लोकल ऑडिट मैनुअल पी सी डी एयरफोर्स देहरादून, एम ई एस अकाउंट्स मैनुअल एम ई एस लोकल ऑडिट मैनुअल सी डी फंड मेरठ, पेंशन का दोस्तों याद करने की जरूरत नहीं इलाहाबाद का। ठीक है, और क्या हुआ, कोस्ट गार्ड और एन एल ई ओज पी सी डी नवी मुंबई। ठीक है, तो इतनी बातें आपको याद हो गई, लेकिन फिर भी दोस्तों बहुत सारी चीज़ें इसमें छूट गई, और दोस्तों अपने जब तैयारी करने बैठ ही गए, तैयारी करने का सोच ही लिया, ऑफिसर बनने का सोच ही लिया, तो दोस्तों कुछ भी चीज़ें छूटनी नहीं चाहिए। ठीक है, एग्जामिनर आपको कोई सी भी किताब से, कोई सी भी लाइन से क्वेश्चन बना के दे, यू हैव टू अटैम्प्ट एंड यू हैव टू अटैम्प्ट राइट। ठीक है, रॉन्ग नहीं आपको करना है। तो दोस्तों देखिए इसकी जो फाइनल ट्रिक है वो आपको मैं बताता हूँ, और इससे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी और ज़िंदगी में कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, देखिए दोस्तों
और दोस्तों ये चीज़ें जो है, ये जो मेथड है मैं हमेशा यूज़ करता हूँ, जिसको बोलते हैं मैप मेथड, ठीक है। मतलब आप मैप के अंदर चीज़ों को थोड़ा सा करते हो तो दोस्तों चीज़ें आपको थोड़ी सी प्रैक्टिकल होने लग जाती हैं, ठीक है। आपको दोस्तों इतना याद करना पड़ेगा कि कौन सा शहर किस डायरेक्शन में है, ठीक है। यूपी, इलाहाबाद, देहरादून है मान लो, उत्तराखंड, हिमाचल, ठीक है, दिल्ली कहाँ है, मुंबई कहाँ है, पुणे कहाँ है, बेंगलुरु कहाँ है, कर्नाटका में, ठीक है। तो ये सब चीज़ें दोस्तों थोड़ा सा आपको एक मैप पता होना चाहिए। दोस्तों इस मैप के जरिए आप ऐसे पढ़ोगे तो आप अपना नाम भूल जाओगे, लेकिन ये चीज़ें कभी नहीं भूलोगे। और दोस्तों बहुत सारे टीचर्स ये बातें बताते हैं, ठीक है, ये पैरा आपने पढ़ा होगा, आगे भी पढ़ोगे तो दोस्तों ये चीज़ें कोई नहीं बताएगा आपको, ठीक है। ये दोस्तों हमें खुद मेहनत करनी पड़ती है इन चीज़ों पे, ठीक है, समय देना पड़ता है, तो ये चीज़ें हमारे लिए प्रिपेयर हो जाती हैं, ठीक है, और हमें ये एक्सेप्ट करने लग जाती है कि बुक्स, ठीक है, आप समय इनको दोगे तो, ठीक है। जैसे दोस्तों आप किसी इंसान को समय देते हो तो दोस्तों आप वो अपना हो जाता है आपका, ठीक है। ये तो किताबें भी दोस्तों आपकी अपनी हो जाएगी इफ़ यू गिव योर प्रेशियस टाइम्स टू दीज, ठीक है, और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो देखिए दोस्तों क्या मैंने ट्रिक बनाई है इसके अंदर। सबसे पहले दोस्तों देखिए OM जो है 1 से 14 तक है इसमें डिस्कस, ठीक है। OM 1 से लेके OM 14 तक इसमें बात की गई है पूरे पैरा में, पैरा नंबर 500 ऑफ द OM 1, ठीक है। इसके अंदर दोस्तों जो 6 नंबर है, 6 नंबर OM 6 वो आउट है। 6 मतलब सिक्सर और बॉल गई दोस्तों प्लेग्राउंड से बाहर, समझ में आया, अब नहीं भूलोगे कभी। OM 6 जो है दोस्तों वो है 6 नंबर पे, 6 नंबर का मतलब आउट हो गया, सिक्सर मार दिया किसी ने, मतलब बॉल गई दोस्तों प्लेग्राउंड से बाहर, ठीक है। तो मतलब OM 6 जो है वो फैक्ट्री से रिलेटेड थी, फैक्ट्री आउट हो गई तो OM 6 भी आउट हो गई, हमें नहीं याद रखना इसको, और रखोगे भी तो OM 6 फैक्ट्री से रिलेटेड है, अब नहीं भूलोगे, ठीक है। मैं बोलता हूँ नहीं याद रखना तो आप ज़्यादा याद रखोगे, ठीक है, वो रिवर्स साइकोलॉजी ऑफ आर माइंड, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों OM 1 से OM 14 तक है, OM 6 को छोड़कर दोस्तों आपको 4 स्टेशन याद करने हैं, 4 में से भी आपको 2 ही याद करने हैं, 2 आपको याद हैं। OM 1 में दोस्तों कौन करेक्शन करता है, CGDA जो कि दिल्ली में है। OM 5 में दोस्तों CDA फंड मेरठ, ये याद करना है, जो दोस्तों ये स्टॉपेज है। और OM 10 दोस्तों बेंगलुरु, PCDA बेंगलुरु, ठीक है। तो दोस्तों ये स्टॉपेज आपको याद रखने हैं, OM 1 CGDA, OM 5 में दोस्तों CDA फंड मेरठ, ठीक है, और OM 10 दोस्तों PCDA बेंगलुरु, और OM 14 दोस्तों दिल्ली R&D, ठीक है। अब दोस्तों मैप में चलते हैं, अपने मैप के जरिए इसको कैसे देखेंगे दोस्तों। दोस्तों 1 नंबर दिल्ली में था OM 1, ठीक है, दिल्ली से चलेंगे दोस्तों मेरठ, डायरेक्शन देखो दोस्तों, देखते जाइए आप, डायरेक्शन ही बोलिए आपको। OM 1 दिल्ली से चलेंगे अपने, OM 1 में कौन करता है दोस्तों, CGDA ऑफिस दिल्ली का। OM 1 से चलेंगे दोस्तों अपने CDA मेरठ, OM 2 पे पहुंच गए, 2 से चलेंगे दोस्तों देहरादून, OM 3 पे पहुंच गए, ठीक है, देहरादून से चलेंगे दोस्तों इलाहाबाद, OM 4 पे पहुंच जाएंगे, और दोस्तों इलाहाबाद से चल के वापस हमें मेरठ पे आना है क्योंकि हमारा स्टॉपेज है OM 5 पे फंड, ठीक है। इसको दोस्तों और बेहतर तरीके से आपको याद करवाता हूँ ये चीज़। दिल्ली दोस्तों OM 1 है, यहाँ पे आप दोस्तों बस में चढ़ोगे, ठीक है, OM 1 लेके, OM 1 की बुक आपने दिल्ली से कलेक्ट की और बस में चढ़े, दिल्ली से गए मेरठ। OM 2 ली दोस्तों आर्मी से, ठीक है, OM 2 ली दोस्तों आर्मी से, और भी मेरठ से आपसे बस में गए देहरादून, देहरादून से दोस्तों आपने पिकअप किया OM 3 को, ठीक है, OM 3 को देहरादून से पिकअप करके आप दोस्तों गए इलाहाबाद, OM 4 को कलेक्ट किया, और दोस्तों OM 4 को कलेक्ट करने के बाद आप वापस गए मेरठ OM 5 को कलेक्ट करने, और यहाँ पे दोस्तों बस से उतर गए, आपने पैसे दे दिए, फंड दे दिया, ठीक है, याद हुआ, 1 2 3 4 5 दिल्ली मेरठ देहरादून इलाहाबाद मेरठ, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है। इसके बाद देखिए दोस्तों 5 नंबर पे OM 5 पे ख़त्म हो गया, OM 6 की बात आएगी तो सिक्सर हो गया दोस्तों, फैक्ट्री आउट हो गई, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, याद भी रखोगे तो आपको हमेशा याद रहेगा OM 6, ठीक है। दोस्तों अब नई शुरुआत करनी है हमें OM 7 से लेके, ठीक है। तो दोस्तों ये 4 स्टेशन मैंने कंप्लीट कर दिए, तो दोस्तों बच्चा कौन सा, मुंबई, तो वापस दोस्तों मैं मुंबई पे आऊँगा, ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया ऐसे आया, सिक्सर आउट, फिर मुंबई OM 7, ठीक है दोस्तों, फिर वापस आऊँगा आर्मी से रिलेटेड OM 8 लेने, ठीक है, 7 ले गया, लेने गया मुंबई से, 8 लेने आया मेरठ से, फिर दोस्तों 9 और 10, ठीक है, समझ में आया, 10 तक याद हुआ। और PCDA बेंगलुरु जो है OM 10 में करता है, ये तो मेरा स्टॉपेज भी है, ये तो मुझे वैसे भी याद रखना है, और ये वैसे भी याद रखना है, और दोस्तों ये क्लर्क टू ऑडिटर जो एग्ज़ाम है 2014 या 2018 वाला, उसमें आया भी हुआ है, तो इसलिए ये और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ठीक है, अब आप वैसे भी नहीं बोलोगे, यहाँ पर स्टॉपेज 5 था, 6 आउट, 7 8 9 और 10, 7 8 7 8 7 8 9 और 10, ठीक है, मुंबई मेरठ पूना बेंगलुरु। अब दोस्तों 11 12 13 और 14, 4 चीज़ें बची है दोस्तों, 11 12 13 और 14, और दोस्तों चारों ही दिल्ली में हैं, समझ में आया आपको, चारों ही ऑफिस दिल्ली में है जो इन OMs में अपलोड करते हैं, ठीक है। अब उनमें दोस्तों हमें थोड़ा सा बाइफर्केशन ट्राइफर्केशन करना है कि वो क्या है दोस्तों।
देखिए मैप में बताता हूँ, 11, 12, 13 और 14। दोस्तों 14 नंबर आपको याद है R&D का है, क्योंकि आपका स्टॉपेज है। ये चारों तो आपको याद होने चाहिए, CGDA OM1। दोस्तों इसको देखो कैसे मैंने डिज़ाइन कैसे किया है, 1, 5, 10, 14, 1, 5, 10, 15 कर देता अगर 15 होता तो, ठीक है, 5, 5 के गैप में, ठीक है, 1, 5, 10, 14। तो एक से स्टार्ट करके लास्ट वाली लिखी है, तो CGDA फंड मेरठ बेंगलुरु और दिल्ली R&D। तो दोस्तों 14 नंबर पर दिल्ली R&D है, दोस्तों 10 नंबर पर ख़त्म किया था, तो 11 नंबर पर भी R&D दिल्ली है। ये देखिए 11 और 14, मतलब 11 पे भी R&D है, जो 10 के बाद आप देखोगे स्टार्ट करोगे, मतलब आपकी नई शुरुआत करनी है 11 नंबर स्टेशन से, तो 11 और 14 दोस्तों दिल्ली R&D है। बच्चे कौन से दोस्तों, 12 और 13, ये 12 और दोस्तों ये 13, ठीक है। और दोस्तों 12 जो है वो PCDA न्यू दिल्ली है, और 13 दोस्तों बॉर्डर रोड है, ठीक है, 13 है दोस्तों बॉर्डर रोड और 12 है दोस्तों PCDA न्यू दिल्ली। और दोस्तों इसमें भी कुछ आपको थोड़ा सोचना है तो 13 से सोच सकते हो दोस्तों, 13 फीट की सड़क बनाई है, ठीक है, BRO ने, बॉर्डर रोड ने, ऐसे बोल दो, ठीक है। दोस्तों आपको दोस्तों ऐसी ट्रिक्स निकालनी पड़ेगी वरना आप भूल जाओगे, ठीक है, सिलेबस कर लोगे, खत्म हो गया सर, राउंड कोड पढ़ लिया, ऑडिट कोड पढ़ लिया, आउटपुट 0, ठीक है। तो दोस्तों आपको माथा खपाई करनी पड़ेगी, इसे माथा पच्ची करनी पड़ेगी, जब आपको ये चीज़ें याद रहेगी, ठीक है, और धीरे धीरे दोस्तों आपके स्वभाव में आ जाएगी, ठीक है। तो एक बार और दोस्तों मैं रिवाइज़ करवा देता हूँ वीडियो को ख़त्म करने से पहले। तो देखिए दोस्तों 1 से 14 तक है, 6 को छोड़ना है, 6 है फैक्ट्री जो है सिक्सर बॉल प्लेग्राउंड से आउट, मतलब फैक्ट्री आउट, ठीक है, तो OM6 यानी फैक्ट्री। आगे चलिए दोस्तों 4 स्टेशन याद रखने हैं, 1, 5, 10, 14, 1 पे दोस्तों CGDA, 5 पे दोस्तों फंड मेरठ CDA फंड मेरठ, 10 पे दोस्तों PCDA बेंगलुरु और 14 पे दोस्तों दिल्ली R&D। ये दोस्तों आपके स्टेशन है, 1 नंबर स्टेशन से दिल्ली से OM1 की बुक लेके चढ़ूंगा, मेरठ जाऊंगा OM2 लूंगा आर्मी से, देहरादून जाऊंगा OM3 लूंगा, इलाहाबाद जाऊंगा OM4 लूंगा, वापस आऊंगा फंड मेरठ में, और फंड मतलब पैसा दूंगा मैं किसको, बस वाले को फंड दे दिया OM5 लेके उससे, ठीक है, ये आर्मी, ये फंड यहाँ से आर्मी वालों से ली थी, यहाँ पे मैंने फंड दिया है, ठीक है। 6 सिक्सर फैक्ट्री आउट, 7 मुंबई, 8 आर्मी मेरठ, 9 और 10 ख़त्म, 11, 12, 13, 14 चारों दिल्ली से हैं, 11 और 14 दोस्तों, 14 आपको मैंने बताया है R&D से है, तो 11 भी दोस्तों R&D से है। 13 नंबर देखिए दोस्तों, 13 नंबर क्या होता है, 13 फीट की सड़क बनानी है तो BRO बनाएगा, BR होगा, और दोस्तों 12 नंबर PCDA दिल्ली, समझ में आया दोस्तों। और देखो दोस्तों ऑडिट कोड और अकाउंट कोड जो है वो कौन करता है दोस्तों, ऑडिट कोड अकाउंट कोड PCDA सदन कमांड, ठीक है, और इसमें दोस्तों आलम कर लो, और दोस्तों पेंशन से रिलेटेड PCDA पेंशन इलाहाबाद, ठीक है, NLAOs कोस्ट गार्ड से दोस्तों PCDA नेवी, ठीक है, और उसमें अपने क्या डिस्कस किया था, तो ये सारी बातें थी दोस्तों। एक बार और वीडियो को दो बार देखना, याद हो जाएगा दोस्तों, अपना नाम भूल जाओगे ये नहीं भूलोगे, ये मैंने आपको एक मंत्र दे दिया, हमेशा इसको याद रखना, ठीक है। और दोस्तों चैनल को फिर लाइक करते रहिए और शेयर करते रहिए अपने दोस्तों के साथ, वीडियो को यहीं रैप अप करते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग।